हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग हम अपना कैथोलिक चर्च को शो करेगा और कैथोलिक चर्च में कैसे कैसे डिजाइन किए और कैसे कैसे डेकोरेट सजाए वो लोग आप लोग को आज हम दिखाने जा रहे हैं ना। और आप लोग वीडियो का एंड तक बने रहिए और जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक मार दीजिए। तो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, अभी कैथोलिक चर्च की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और मेरा साथ एक दोस्त रहा पाता। गाइस, तो हमारा साथ आया है रहा पाता, तो आज ये हमारा हेल्प करेंगे कैमरा शूट करने में और कैथोलिक चर्च को हम लोग को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लोर करके दिखाएगा। तो चलते हैं, गो। गाइस, फाइनली कैथोलिक चर्च पहुंच गया और ये बाहर का गेट है, अंदर जाके दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर हमारा जीसस क्राइस्ट को कहाँ में जन्म दिया था उसके घर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है, उसको भी आप लोगों को शो करेंगे, देख सकते हैं। तो ये हमारा जीसस क्राइस्ट और ये अन्ना मरियम एंड जोसेफ कुछ उसके साथी, काफी अच्छी तरह से सजाया गया है। आप देख सकते हैं और ये ऊपर का लेयर को बहुत ही अच्छा से सजाया गया है। तस्वीरें आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस कैथोलिक चर्च पर आज 23 दिसंबर 2022, और हमारा जीसस क्राइस्ट का भी जन्मदिन आ रहे 25 दिसंबर को। तो आज मेरा यहाँ कैथोलिक चर्च पर आने का मकसद ये है कि कैथोलिक चर्च को किस तरह से डेकोरेट सजाया गया है ना, तो आज आप लोग को वही हम दिखाने आए इस चर्च पर और आप लोग सब उसको देखते रहे और कैसे कैसे सजाए उसको आप लोग को आज फुल एक्सप्लेन करेगा और आप लोग उसको कॉमेंट्स में हमको बताइए ना। और वीडियो का आप लोग एंड तक बने रहना और जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। गाइस, हमारा कैथोलिक चर्च बाहर से कुछ इस तरह से दिखाई दिया जाते, काफ़ी सुंदर है हमारा कैथोलिक चर्च और आप सबको हम अंदर घुस के भी अभी दिखाएगा और आप सब वीडियो को एंड तक बने रहना और स्टेडियम को दिखाया जाएगा। गाइस, तो यहाँ पे डांस सेंस किया जाता है और इसमें स्पीकर भी रखा गया है और ये क्राउड बैठने का जगह। हमारा यूथ लोग काफी सुंदर से सजाया गया है इस कैथोलिक चर्च को। ये चर्च के अंदर की ओर फिलहाल अभी तो आदमी नहीं, दरवाजा नहीं खुला गया है। बता आपको इधर आके कैसा लगा? इधर आके बहुत मजा लग रहा है। सबसे पहले जिन लोग हमको मैं थैंक यू कहना चाहते हैं उसका ब्लॉग में आने देने के लिए। गाइस, मदर मेरी, तो आप लोग कभी कभी दिन के तो चर्च जो भी आते हो तो सबसे पहले उसके पास आना और अपना दुख तकलीफ को शेयर करना। यहाँ पर प्रे कर सकते हैं, कर सकता नहीं, यहाँ में प्रे किया जाता है।
करना चाहते हैं। सो गाइस, आप लोगों को हम उतना एक्सप्लेन करने नहीं सक रहे क्योंकि मेरा फोन का कैमरा भी उतना ठीक नहीं है। ठीक हो गया, अभी अपना घर की ओर जा रहे हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और चलते हैं घर की ओर, मिलते हैं अगले वीडियो पर। गो।